हजरत, पिछले 3 साल से मैं आपसे रुजू हूँ, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि कुछ इश्कालात बीच में थी हमारे दिल के अंदर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा ख्वाब में ज़ियारत हुई कि आप सल्लम को देखा मैंने कि बिल्कुल आपका एक ऑरेंज कलर का जो शेरवानी है, थोड़ा सा रेडिश ऑरेंज, उसी को आप पहन के हैं और सफ़ेद अमामा जिस ढंग से आप पहनते हैं, तो मुझे लगा कि आप ही हैं। लेकिन गौर से जब मैंने देखा तो देखता हूँ कि आप सल्लम हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसके बाद से तो बेपनाह मोहब्बत आपसे हो गई है और रुजू भी बहुत बिल्कुल दिलो जान से हो गया हूँ। एक बहुत बड़े पाकिस्तान की बहुत बड़ी इल्मी खानदान की खातून, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़ी इल्मी खानदान की खातून जो है, वो उनके भांजे ने मुझे कॉल की कुछ अर्सा पहले। उन्होंने भांजे ने कॉल की, कहा तो हुआ ये कि आपका प्रोग्राम टीवी भी हम देख रहे थे, तो मेरी जो है वो खाला है, उन्होंने भी प्रोग्राम देखा, तो आपको बहुत इल्मी खानवादी से वो खातून है, तो कहता आपको देखा तो आप ज़ाहिर यकीन उन्होंने मेरा जो हाल हुलिया उसको देख के सोचा होगा कि यार ये हमारे काबी बुजुर्ग तो सफ़ेद लिबास, सफ़ेद अमामा, सफ़ेद टोपी में होते हैं, ये कौन से रंग बिरंग मुफ्ती साहब आ गए। तो उन्होंने ये बात देख के कहते हैं, मेरी खाले ने कहा कि यार ये मुफ्ती साहब जो है ना दो नंबर हैं, ये मुफ्ती साहब दो नंबर हैं, ये बात कह दी तो बात ख़त्म हो गई। तो रात ही को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आ गए, वो खाला खुद बता रही हैं कि ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और मुझे यूं तंबी के अंदाज में कहा कि मुफ्ती मुनीर दो नंबर नहीं है, ये कहा मुफ्ती मुनीर दो नंबर नहीं है, ये बात कही और मेरी आंख खुल गई।